दिखेगा। इलेवन के खास कार्यक्रम कौन बनेगा विधायक में आपका स्वागत है। आज हम खड़े हैं चक्रधरपुर के पवन चौक के पास। आज चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र से दो अहम प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। पहला नामांकन भाजपा के लक्ष्मण गिलुआ जो कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, और दूसरा नामांकन आजसू के रामलाल मुंडा ने किया है। हम जानेंगे, हमारे सामने चक्रधरपुर की जनता भी खड़ी है, इनसे पूछेंगे कि यहाँ चक्रधरपुर कितना बदला, किस मुद्दे पर वोटिंग होगी। लेकिन इससे पहले हम देखते हैं चक्रधरपुर विधानसभा का प्रोफाइल क्या है, कौन जीता है कौन हारा है, तो देखते हैं प्रोफाइल। 2005 में चक्रधरपुर से 12 प्रत्याशियों ने ताल ठोकी, जिनमें से एक महिला थी। 2005 में चक्रधरपुर से जेएमएम के सुखराम उराव विधायक बने। उन्होंने बीजेपी के लक्ष्मण गिलुआ को 19,972 वोटों से हराया। सुखराम उराव को 41,807 वोट मिले थे, लक्ष्मण गिलुआ को 21,835 वोट मिले थे। 2009 के विधानसभा चुनाव में यहां से 14 प्रत्याशी थे, इनमें से सभी पुरुष थे। 2009 में यहां से बीजेपी के लक्ष्मण गिलुआ ने जीत दर्ज की। उन्होंने पिछले बार के विजेता जेएमएम के सुखराम उराव को हराया। लक्ष्मण गिलुआ की जीत का अंतर मात्र 290 वोट का था। 2014 के विधानसभा चुनाव में चक्रधरपुर से 9 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे, इनमें से एक महिला थी। चक्रधरपुर में वोटरों की जनसंख्या, पुरुष वोटर 86,508, महिला वोटर 85,262, कुल वोटर 1,71,470। 2014 में इस सीट से जेएमएम के शशिभूषण सामड विधायक बने। शशिभूषण सामड ने बीजेपी के नवमी उराव को 26,448 वोटों से हराया। शशिभूषण सामड को 64,396 वोट मिले थे, जबकि नवमी उराव को 37,948 वोट मिले थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 11 भारत। विधानसभा का प्रोफाइल, हमारे साथ इस वक्त चक्रधरपुर की जनता खड़ी है। सबसे पहले मैं इनसे अनुरोध करूंगा कि न्यूज 11 के खास कार्यक्रम कौन बनेगा विधायक ले एक बार ताली बजा दें, और दूसरी ताली भारतीय लोकतंत्र के लिए। भारत का लोकतंत्र ऐसे ही मजबूत रहे, ऐसे ही लोगों से मजबूत होता है। और चक्रधरपुर की जनता हमेशा जब कभी भी यहाँ पर वोटिंग होती है, यहाँ की जनता बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। तो चक्रधरपुर की जनता के लिए भी एक बार तमाम लोग ताली बजा दें कि चक्रधरपुर की जनता ऐसे ही जिंदा दिल रहे। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा, सर क्या कहना चाहेंगे, चक्रधरपुर में वोटिंग होनी है, इस बार क्या लग रहा है, कौन बनेगा विधायक? अभी तो कहना बहुत मुश्किल है, दोनों की टक्कर बड़ जबरदस्त है, दोनों की टक्कर होगी। आजसू के जो प्रत्याशी है वो भी बीजेपी का ही था, और रामलाल मुंडा भी बीजेपी है, गिलवा जी भी बीजेपी है, दोनों की टक्कर है। लेकिन इस बार रामलाल मुंडा ने जो नॉमिनेशन किया था, आज मैंने देखा कि पूरी भीड़ थी, लेकिन गिलवा जी की भी भीड़ थी। ऐसा मत बोलिए, रामलाल मुंडा का भीड़ था तो गिलवा जी का भीड़ नहीं था। हालांकि एक प्रत्याशी अभी होल्ड में, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अभी तक यहां से अपना प्रत्याशी नहीं दिया है। एक छोटी बच्ची भी यहां पर आई है, क्या कहना चाहोगे, खुश हो, कहां पढ़ती हो तुम? मैं दिल्ली पब्लिक। बिल्कुल, इस बार इसे स्वस्थ रखे। सर क्या कहना चाहेंगे? यहाँ जो मुकाबला है वो बराबरी का है, कोई वन साइड जीतने वाला नहीं है। यहाँ पे तीनों प्रत्याशी मजबूत है और तीनों अपने अपने जगह मायने रखते हैं। तो एक तो प्रत्याशी हो गए लक्ष्मण गिलुआ, जिन्होंने आज नॉमिनेशन किया भाजपा से, और दूसरे प्रत्याशी हो गए रामलाल मुंडा आसू से। दोनों की भीड़ कैसी दिखाई पड़ी आप लोगों की? अच्छी भीड़ थी, दोनों के सपोर्टर है। दोनों की भीड़ थी जी, मानी की 19-20 का अंतर नहीं, यहाँ बराबर का त्रिकोणीय मुकाबला है। तीसरा कौन कौन बनाएगा ऐसे तो अभी कैसे बता सकते हैं हम लोग, वो तो वक्त बताएगा। अभी बहुत सीन बाकी है, क्या कहना चाहेंगे आप? जब वोट डालने जाते हैं क्या मुद्दा मन में काम करता है? चक्रधरपुर में
रांची का पैसा दिखाई पड़ता है कि नहीं? जरूर दिखाई पड़ता है, विकास तो दिख रहा है पूरे देश में, पूरे राज्य में। पूरे देश में नहीं मतलब राज्य का बात, पूरे राज्य में ही है। पूरे राज्य का नाम लो रांची, हमारी राजधानी का, राजधानी झारखंड की। जी खुशहाल है यहाँ के लोग और विकास तो दिख रहा है जमीन पर। और हम ये जानना चाह रहे सर कि चकधरपुर में कोई विकास नहीं हुआ? बहुत बुरा हाल है, कोई भी विकास नहीं हुआ चकधरपुर में। हाँ नहीं हुआ, खास करकर अनुमंडल हॉस्पिटल में जाइए तो डॉक्टर नहीं मिलेगा, कभी को डॉक्टर नहीं रहता है। पूरी जनता आपको देख रही है, राज्य की जनता देख रही है, कई पॉलिटिशियन मालूम है, देख रहे हैं वो मालूम है। क्या है अनुमंडल का जो हॉस्पिटल है उसमें कोई डॉक्टर नहीं, बेड नहीं रहता है, कभी कुछ नहीं, कभी कुछ नहीं। और लोग हमारे साथ है, मशीन तक एक्सरे मशीन तक नहीं है। जब अनुमंडल हॉस्पिटल है तो क्या ईश्वर न करे इस चकधरपुर में कोई बीमार पड़ जाए इस वक्त तो क्या होना होता है? बस सीधे टाटा जाइए या रांची जाइए, यहाँ के डॉक्टर सिर्फ फर्स्ट एड करते हैं और गाड़ी में बैठाते हैं। रांची जाने के दौरान जो घाटी की सड़क है वो भगवान भरोसे है सड़क। रांची से जब आप घाट ये चक्रधरपुर के लिए आएंगे तो रास्ते में घाटी का इलाका पड़ता है और उस इलाके से गुजरना, समझिए कि अपने आप को क्या कहना चाहेंगे, कौन होगा विधायक इस बार? देखिए टक्कर काटे की है, पर हम मोदी सरकार को ही वोट देंगे इसलिए क्योंकि मोदी सरकार ने जो खपड़े के घर में रहते थे उन्हें पक्का मकान दिया, जो मैदान में जाते थे शौचालय उन्हें शौचालय दिया, या ओवर चक्रधरपुर ओवर ब्रिज दिया, आयुष्मान योजना के तहत फ्री इलाज ऑपरेशन हो रहा है, इसलिए हम मोदी सरकार के साथ है। अरे तो मिडिल क्लास सबको सब नहीं मिला ना, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग तो मोदी जी का सपोर्ट हमेशा करते रहेंगे, हम लोग मोदी जी को ही, मोदी जी को ही वोट देना है। विधानसभा चुनाव में भी, विधानसभा में हम विधायक को नहीं देख रहे, हम लोग का जो यहाँ जो बनेगा सरकार वो बीजेपी का बनना चाहिए और हम चाहेंगे कि मोदी को सपोर्ट करें। विधानसभा के चुनाव में मोदी का चेहरा काम करेगा, ये लोकल फैक्टर देखिए, अगर बोल रहा हूँ तो जरूर काम होगा, आज देख लीजिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमें ऊपर से ही हर योजना का लाभ मिला है, मुझे आवास योजना का लाभ मिला है, मुझे शौचालय का लाभ मिला है, मुझे आयुष्मान योजना का लाभ मिला है, गैस सिलेंडर का लाभ मिला, गैस सिलेंडर का लाभ मिला है। सर क्यों ना दे वोट, किस लिए नहीं दे वोट हम एक छोटे से बिचौलिए के चलते क्यों वोट नहीं दे हम? कुछ लोग कहते हैं हॉस्पिटल में एक्सरे मशीन नहीं है, आयुष्मान का तो मिला है लेकिन हॉस्पिटल ही नहीं है, तो आयुष्मान का फायदा क्या है? नहीं है सर, धीरे धीरे सरकार, अब एक बार ही तो हम ऊपर नहीं चढ़ जाएंगे ना सर। बात ये है सर कि विधानसभा का चुनाव है, लोकल फैक्टर काम करता है, जनता को नाली चाहिए, सड़क चाहिए। हमारे लोकल लक्ष्मण गिलवा जी ने, उनको पता ही नहीं है कि इलाज कैसे होता है, वो बाहर से फोन करके पूछते हैं क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पर डॉक्टर ड्रिंक किए रहते हैं। कुछ और लोग हैं, मैं उनसे बात करना चाहूंगा, आ जाइए आप लोग कैमरे में, आ जाइए कैमरे में, आ जाइए, क्या कहना चाहेंगे? सर बीजेपी के सरकार में विकास तो हुआ है लेकिन चकधरपुर में एक अच्छा सा कॉलेज नहीं आया है, एक तो कॉलेज बनना चाहिए और एक तो हॉस्पिटल बनना चाहिए कम से कम, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। हम लोग चकधरपुर में एक पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी होना चाहिए और एक, क्या कहना चाहेंगे चकधरपुर में कैसा वोटिंग होगा इस बार? इस बार का वोट कौन जीतेगा अभी तक असमंजस है, एक तरफिया कुछ भी नहीं है, अभी कहना मुश्किल है। आपको लेकिन ये रोड नाली रास्ता पुलिया वाला ये सब नेता आ रहे हैं, यहाँ पर कोई अच्छा काम करने वाला अभी तक नेता कोई नहीं आया। इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी था अभी भी हम लोग का नेता लोग को काम करने के लिए, वो अभी कर नहीं पाए, सबसे बड़ा दुख का बात है। एकदम सही बात है। देखिए सीधी सी बात, गवर्नमेंट ऊपर में, सेंट्रल में, स्टेट में और यहाँ पे उसको फायदा नहीं मिलेगा तो फायदा क्या ऐसा? तीन सीढ़ी बन जाती है। हमारे साथ कुछ और लोग जुड़े हैं, क्या कहना चाह रहे हैं इस बार छतरपुर की जनता ने क्या सोचा है? देखिए भैया हम लोग को चाहिए विकास, अच्छे विकास हो चकधरपुर का, बढ़िया शांतिपूर्वक सब रहे, समझे, कोई सा बातचीत नहीं होना चाहिए, बस यही हम चाहते हैं। क्या चाहिए छतरपुर में और क्या नहीं मिला पिछले 5 सालों में? चकधरपुर में कहाँ कुछ मिला, ये न कारखाना है न। बोलिए सर क्या कहना चाहेंगे,
लेकिन कैमरा देखिए, कैमरा देखिए, सबसे बड़ा विकास होना चाहिए। यदि विकास नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं हुआ है। आदमी को रोजगार का अवसर मिलना चाहिए, कोई रोजगार नहीं है यहाँ। चक्रधरपुर का कोई ऐसा कोना जिसको देखने के बाद आपको गर्व महसूस होता हो, है कोई कोना? नहीं, ऐसा कोई कोना नहीं है जिससे गर्व महसूस हो गया। चक्रधरपुर पर किसको उसको घमंड होता है कि मैं चक्रधरपुर का रहने वाला हूँ? हाथ उठाइए आप लोग, चक्रधरपुर का रहने वाला हूँ, ये कैसा घमंड है, गर्व है, फील गुड है यहाँ के लोगों में? लगता है कि कोई कोना ऐसा है यहाँ पर जो कि जिस पर कि हम गर्व कर सकते हैं? आप आइए, यहाँ के नहीं है बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे? बोल 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 भाई, बोल। आप बोलिए। कोई ऐसा कोना जिस पर कि गर्व होता हो छतरपुर में? नहीं सर, अब हमारे को विकास चाहिए बस। बिल्कुल, हम लोग चक्रधरपुर वासी हैं और हम लोग रोजगार के लिए बड़ा कसक है ना। हम लोग को चाहिए रोजगार कैसे भी करके, चाहे खेती से, चाहे इंडस्ट्री से, चाहे और कुछ से, यहाँ पर रोजगार लाना है, तभी जाके यहाँ का लोग विकास होगा। नहीं तो बस यही सरकार का जो कृपा से जो जी रहे हैं ना, इसी तरह लोग जीता रहेगा। सच्चाई है कि पिछले 5 साल में झारखंड में एक JPSC नहीं होया, झारखंड लोक सेवा आयोग की कोई परीक्षा सफलता पूर्वक संपन्न नहीं हो पाई। सर, कितना नुकसान होता है युवाओं को, पढ़ते हैं, डिग्री लेते हैं, लेकिन जब परीक्षा की बारी आती है, एक एक ग्रेजुएशन पैदा करने में माँ बाप को 4-5 लाख खर्चा हो रहा है और उन लोग को उसका उस तरह का कोई रोजगार का साधन नहीं दिया जा रहा। सबसे बड़ा दुख का बात है, कुछ तो लाइए चक्रधरपुर के लिए। आज तो 1 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया। हाँ, वो चीज होता है, ठीक है, अपने तरीका का रोजगार कर रहे हैं, लेकिन पढ़े लिखे लोग के लिए क्या रोजगार है? सब कोई तो यहाँ पर रोड का किनारे दुकान लगा के रोजगार नहीं कर सकता है। सबका अपना अपना पढ़ लिख के बोलेगा, आने का तरीका होता है। तरीका होता है, पढ़ लिख के बोलेगा कि हम ये काम करें, वो काम करें, अपने प्रेस्टीज पर भी कुछ आता है, तो जो जिस तरह का है उन लोग को उस तरह का रोजगार। आप एग्री हैं इनसे? एकदम सहमत हूँ इनसे। क्या चाहते हैं? हम लोग सही आदमी का सही रूप से चुनाव चाहते हैं हम लोग। हाँ। जो हम लोग का सही विकास कर सके, सबका देखभाल कर सके। जो मौजूदा विधायक है उनको आप लोग पहचानते हैं? झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो विधायक हैं, अभी जो पहले थे कि अभी हैं? अभी तो हैं ही, क्योंकि अभी तो विधानसभा चुनाव से जानते हैं। आते हैं? हाँ आते हैं। बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे विधायक के बारे में? क्या कहोगे बताओ, क्या करते हैं आप, क्या करते हैं? आइए ना, बताइए, आप बताइए। बिल्कुल, हमारे साथ एक एडवोकेट भी जुड़े हैं, छतरपुर के रहने वाले हैं आप, आ जाइए सर। सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि छतरपुर का कोई एक ऐसा कोना बताइए जिस पर कि आपको गर्व होता हो कि ये छतरपुर है, चक्रधरपुर है। चक्रधरपुर का सबसे बढ़िया एरिया हम लोग का रेलवे का DRM ऑफिस के पास में है, बालाजी मंदिर है, इसे हमारा गर्व होता है। यहाँ एक बहुत पुरानी हम लोग की मस्जिद है, चर्च है, ये हमें गर्व होता है। छोटी सी जगह में ये इतना अच्छा कोऑपरेशन हम लोगों का है। सर, इस बार जो चक्रधरपुर में वोटिंग होगी, हालांकि माफ कीजिए मैंने एक जगह छतरपुर बोल दिया है, मैं इसे ठीक कराऊं, ये छतरपुर नहीं, चक्रधरपुर में मौजूद हूँ। सर, ये जो चक्रधरपुर में जो वोटिंग होगी, क्या मुद्दा काम करेगा? ये मुद्दा काम करेगा, जो आदमी अच्छा वर्क करेगा उसको हम लोग वोट देंगे। बिजली पानी की जो समस्या है, गाँव का एरिया, ये थोड़ा आदिवासी इलाका है, बैकवर्ड इलाका है, जो अच्छा काम करेगा उसको हम लोग वोट देंगे। अभी तक जो वोट दिए, क्या लगा कि उसका फल, उसका रिजल्ट आपके दरवाजे पर आया? हाँ, जिसको मैंने वोट दिया उसका रिजल्ट मुझे मिला, थोड़ा कम मिला, अब मिलेगा, उससे ज्यादा मिलेगा। लोग जागरूक हो रहे हैं, वोटर भी जागरूक हो रहे हैं, इसलिए हमको मिलेगा तो देंगे करेंगे। कुछ लोग बोल रहे थे कि छतरपुर का जो अनुमंडा अस्पताल है वहाँ पर, ये चक्रधरपुर का, वहाँ पर एक्सरे मशीन नहीं है, चक्रधरपुर में कई डॉक्टर नहीं रहते हैं। पहले तो कुछ भी नहीं था, पहले से कुछ बेहतर है, जरूर है, लेकिन पहले से बेहतर है। और यही संतोष का विषय भी हो सकता है कि चक्रधरपुर की जनता, कुछ और लोग हमारे साथ जुड़े हैं, कई युवा जुड़े हैं, देखेंगे तमाम चेहरे इस वक्त न्यूज 11 के खास कार्यक्रम कौन बनेगा विधायक में मौजूद हैं। इस वक्त चक्रधरपुर की जनता के साथ मैं खड़ा हूँ, क्या कहना चाहेंगे सर कैमरे में? मैं जानना चाहता हूँ कि इस बार का विधायक कैसा होना चाहिए? सबसे पहले तो मैं न्यूज 11 को 10 वर्ष होने की बधाई देना चाहता हूँ। देखिए, ये हमारी सफलता का एक गाथा कि एक आम पब्लिक, आम जनता, न्यूज 11 का दर्शक सबसे पहले बधाई दे रहा, आपका बहुत शुक्रिया।
धन्यवाद। जो विधायक अभी चाहिए चकदरपुर में जो विकास हुआ वो आम आदमी से छुपा हुआ नहीं है। यहाँ विकास के नाम पर यहाँ के जो प्रतिनिधि बनते हैं वो रोड नली गली इसी में व्यस्त रहते हैं। आज तक कोई प्रतिनिधि यहाँ प्रयास नहीं किया कि यहाँ पर कोई डिग्री कॉलेज आए, ITI आए, या हॉस्पिटल में यहाँ पर जो दुर्दशा है, डॉक्टर नहीं रहते हैं, उसका व्यवस्था का कोई ख्याल करे। इन सब चीजों को छोड़ करके यहाँ के प्रतिनिधि, लेकिन आज लक्ष्मण गिलुआ की सभा में कई तरह की चर्चा हुई जिसमें चक्रधरपुर की चर्चा कम, राम मंदिर की चर्चा ज्यादा हुई, धारा 370 की ज्यादा चर्चा हुई। क्या लगता है कि चक्रधरपुर को यहाँ का लोकल एजेंडा चाहिए या फिर अन्य एजेंडों पर काम चल जाएगा? ना, यहाँ के लोगों को लोकल एजेंडा चाहिए, हमारे लोकल चाहिए या देश का एजेंडा चाहिए? लोग क्या आप हाथ चौक बोले, क्या चक्रधरपुर में चक्रधरपुर की बात हो या फिर दिल्ली की बात हो, क्या चाहते हैं? लोकल मुद्दा यहाँ पर चक्रधरपुर की जनता लोकल मुद्दा की बात कर रहा, लोकल मुद्दा होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे, क्या करते हैं आप क्या करते हैं? आप नहीं बोलना चाहते हैं और आइए सर। लोकसभा में हम लोग देख लिए हैं, लोकसभा में हम लोग देश का दे दिए हैं, अभी विधानसभा में हम लोग को लोकल चाहिए। आज हमारे चक्रधरपुर में है क्या बताइए, है क्या? रेलवे था वो उठ के चले गया, फैक्ट्री था वो बंद हो गया, बेली फैक्ट्री था वो चले गया, हॉस्पिटल में पूरा कुछ है नहीं, डॉक्टर वगैरह का कोई सुविधा। आक्रोश दिखिए चक्रधरपुर की जनता में, पूरे कंटेंट के साथ ये बता रहे हैं कि यहाँ चक्रधरपुर में सिर्फ चक्रधरपुर की बातें होनी चाहिए। जी सर जी, चक्रधरपुर में है क्या? कुछ नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर हम लोग को चाहिए रोजगार, यहाँ पर ये आदमी लोग बाहर जा करके आपका काम कर रहा है, यहाँ पर ये आदमी का कोई आय का साधन नहीं है। यहाँ कोई आय का साधन हो तब तो कुछ बात बने। आज जो भी आज तक प्रतिनिधि हम लोग चक्रधरपुर के बारे में क्या सोचा, कोई फैक्ट्री लगाया है या कोई हॉस्पिटल या कोई कॉलेज, कुछ भी तो करना चाहिए। कुछ नहीं हुआ, कुछ चाहते हैं हम लोग को, वही सब चाहिए हम लोग को, रोजगार हम लोग को, आय का साधन चाहिए सर, हम लोग को विकास चाहिए। लेकिन आज लक्ष्मण गिलुआ की सभा हुई थी, उसमें बड़े नेता के भी भाषण हुई थी, कई तरह की बातें हो रही थी कि राम मंदिर के लिए रास्ता साफ हो गया, धारा 370 हटा दिए, 3 तलाक आ गया, लेकिन उससे चक्रधरपुर को क्या मिला? कुछ नहीं। वो सब सर देखिए लोकसभा की बातें हैं, ये विधानसभा की बात हो रही है, विधानसभा में हम लोग को चक्रधरपुर देखना, लोकसभा में जो हुआ वो तो ठीक हुआ, उसके लिए तो हम लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो तो ठीक है, वो सब भी बहुत जरूरी था। कौन कौन सा ऑफिस था और कहाँ चला गया यहाँ से? यहाँ से हम लोग का रेलवे का था वो मांडा मुंडा चले गया है, बीड़ी फैक्ट्री था वो उठ करके गुजरात वगैरह चले गया, विकास फैक्ट्री था वो बंद हो गया है। यहाँ का आदमी जब मजदूर सब तो बेरोजगार है सर, सब बेरोजगार है। आप खुद सर्वे कीजिए, यहाँ पर ही 1000 आदमी में आपको 750-800 आदमी आपको बेरोजगार मिलेगा, 1000 आदमी में। चक्रधरपुर से पलायन सबसे बड़ी समस्या है चक्रधरपुर में। हम जानेंगे यहाँ के युवाओं से कि क्या पढ़ाई के बदले उन्हें नौकरी मिल पाती है, इस भीड़ में कितने लोग हैं जो सरकारी सेवा में है, जानेंगे चक्रधरपुर की जनता बताएगी फिलहाल कौन बनेगा विधायक में। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र में, त्रिकोणीय मुकाबले के आसार बन रहे हैं। मौजूदा विधायक झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अब से थोड़ी देर पहले यहाँ के एक प्रत्याशी सुखराम को अपना प्रत्याशी बनाया है, यानी कि 3 प्रत्याशी मुख्य रूप से मैदान में दिखाई पड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी से लक्ष्मण गिलुआ और दूसरे आसू के रामलाल मुंडा और अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुखराम। टिकट कट गया मौजूदा विधायक का। ओके, जो मौजूदा विधायक थे आपके टक्कर के हैं, कोई किसी से कम नहीं है। बोलिए, उनका टिकट कटना ही था, क्योंकि वो कटना था उनका टिकट, वो काम तो कर रही नहीं थे, खाली गिट्टी वालू ईटा चीज वही कर रहे थे, वो कटना था। कभी मुलाकात करने आते थे कि नहीं? आते थे, घूमते थे, पहले आते थे, अब नहीं। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, टिकट कटने का कारण तो केंद्रीय नेतृत्व जानेगा, मगर कार्यकर्ताओं में जो स्थानीय विधायक अभी थे उनके प्रति
अच्छा सोच नहीं रखते थे। मैं कुछ युवाओं को जोड़ता हूं, हमारे कैमरे में देवाशीष से मैं कहूंगा सीधे आ जाएंगे हमारे सर, क्या कहना चाहेंगे चक्रधरपुर में जो वोटिंग होगी, क्या क्या मुद्दा काम करेगा, क्या मुद्दा काम करेगा? विकास का मुद्दा काम करेगा, विकास का मुद्दा काम करेगा। यहाँ तो विकास है ही नहीं, विकास नहीं है, रांची का पैसा दिखता है यहाँ पर, कहाँ दिखेगा रांची का पैसा, रांची का पैसा घाटी में रुक जाता है, समझे? रांची का पैसा घाटी में रुक जाता है, आता नहीं इधर। रांची का पैसा घाटी में रुक जाता है, रांची का पैसा चक्रधरपुर के घाटी में फंस जाता है। जैसे एक बार राजीव गांधी ने कहा था कि दिल्ली से पैसा बेचता हूँ, एक रुपया लोगों तक पहुँचते पहुँचते वो 25 पैसा में बदल जाता है। बोलिए सर, आप काफी अच्छा बोल रहे थे, जो घाटी में पैसा फंस जाता है रांची का, वो सबसे हम लोग को मतलब नहीं सर। हम लोग तो बोले चक्रधरपुर से हम लोग को मतलब है, हम लोग को यहाँ पर रोजगार चाहिए, हम लोग को यहाँ पर धंधा पानी चाहिए, हमारे को फैक्ट्री चाहिए, हमारे को फैक्ट्री चाहिए। जो जो जनप्रतिनिधि यहाँ पर अच्छा काम करेगा, आज जो जनप्रतिनिधि यहाँ पर अच्छा काम करेगा, हम लोग उसको वोट देंगे। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा चक्रधरपुर जो है क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है, यहाँ बेरोजगार का ज़्यादा बेरोजगारी है सामान। यहाँ देखिए, जो भी विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं उनसे ही आगे करूँगा यहाँ के विकास को। चक्रधरपुर सबसे ज़्यादा किस समस्या से जूझ रहा है? कुछ और लोग जुड़े हैं, सबसे ज़्यादा चक्रधरपुर किस समस्या से जूझ रहा है? प्रोग्राम को टिकट मिल गया है। माननीय आपके द्वारा ये जो सवाल जवाब किया गया, ये तो आम जनता अभी थोड़ी देर पहले आपको सारी समस्या रख दिए होंगे। मैं अगर इस बात को दोहराऊंगा तो ये पार्टी बेसिस पे आ जाएगा, हर एक चीज से दुख रहा। आज आप साफ के टाइम में मेन रोड में चले जाइए, गंदगी है, लाइट यहाँ इतनी अच्छी व्यवस्था होने के बाद भी सरकार कहती वर्तमान राज्य बिजली कितनी देर रहती है आप लोग के घरों में? कोई ठीक नहीं। 4 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा, 10 घंटा ज्यादा, 24 घंटा रहता है कि नहीं? 24 घंटा बिजली चक्रधरपुर में, हाँ कि ना? हाँ कि ना? 22 घंटा, 22 घंटा, 20। आइए 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 आइए, बिजली कितनी देर मिल जाती है? अगर सर बिजली की बात बोला जाए, मैं टोकलो क्षेत्र से, मेरा गांव डुकरी है, तो हम लोग का सप्ताह भर तक गायब रहती है बिजली, उसके बाद सप्ताह भर। यहाँ से 10 किलोमीटर दूर, यहाँ से 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर होगा, यानी कि चक्रधरपुर का जो शहरी इलाका है उससे थोड़ी दूर आप जाएंगे, ग्रामीण इलाकों की शुरुआत हो जाती है। एक सज्जन बता रहे हैं कि पिछले 7 दिनों से चक्रधरपुर में बिजली कहाँ से आप हैं? मैं टोकलो से हूँ। हाँ, तो बिजली की क्या स्थिति है? बिजली की बहुत खराब स्थिति है सर, बरसात में तो नहीं के बराबर रहता, महीना में 2 बार। तो प्रतिनिधि से पूछते नहीं है कि बिजली नहीं दिए आप? प्रतिनिधि तो दिखाई नहीं देते, एक बार जीतने के बाद दिखाई नहीं देते हैं, और इसलिए उनका टिकट भी कट गया। क्या बोल रहे थे सर आप? नहीं, बिजली की समस्या तो ये है, टाउन में भी रहेगी तो कंटिन्यू रहेगी, और नहीं रहेगी तो कोई माई बाप नहीं, ये स्थिति है, रहेगी तो कंटिन्यू। काफी नखरे वाली बिजली है चक्रधरपुर में। हाँ हाँ, एकदम 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 एकदम, जबकि सारी व्यवस्था है, सारी व्यवस्था ऑल ओवर इंडिया में ऐसी व्यवस्था नहीं, हमारे यहाँ 1 किलोमीटर के अंदर में ग्रिड है सर, 1 किलोमीटर का, लेकिन ये व्यवस्था को यहाँ के जनप्रतिनिधि ने दुरुस्त करके नहीं रखा, जिसके विषय में आज बिजली की विरोध में आवाज उठ रही, नहीं तो यहाँ 24 घंटा बिजली मिलती। अब जबकि चुनाव सिर पर है, 7 तारीख को वोट होगी, तो क्या मुद्दा काम करेगा? हमारा मुद्दा ये काम करे, बेरोजगारी भी काम करे, नेशनल लेवल पर भी बात मुद्दा आएगा। आज बेरोजगारी जिस हिसाब से है गांव क्षेत्र में, कहीं भी कुछ आप देख लिए, कोई डेवलप नहीं है। आप इसका कलेक्शन निकालेंगे कि किसकी इस झारखंड में किसकी अधिक सरकार थी, उससे भी आप निचोड़ निकालेंगे कि आखिर में क्या किया। बिजली पानी आज तो नॉर्मल चीज हो गया, बेरोजगारी सबसे बड़ी, पानी और सड़क ये बुनियादी चीजें हैं, किसी भी पार्टी की सरकार रहे, कोई भी विधायक रहे, कम से कम इन चीजों पर मुझे लगता है कि अब बहुत देर हो गई ऐसी चर्चा करने में, ये चीजें बहुत पहले पहुंच जानी चाहिए चक्रधरपुर में। बिजली का सबसे बड़ा समस्या है कि जो बिल ये लोग निकाल के देता है, मालूम होता है इस महीना में अगर 1,000 रुपया है तो किसी किसी को 30,000-40,000, ये कंडीशन है। बिजली का समस्या तो नहीं आ रहा है तो अब सुन ही लिए, लेकिन सबसे ज्यादा त्रस्त है जो पता नहीं प्राइवेट सेक्टर को दिया है ना क्या किया है, बिजली बिल का कोई लिमिट ही नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, नहीं नहीं, नहीं, नहीं। वो
जिसका जो है एक महीना पहले अगर 500 रुपया था उसको, तो ये सब मुद्दा बनेगा विधानसभा में? बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल मुद्दा बनेगा, यस बनेगा, बनेगा बनेगा बिजली का, बिजली का मुद्दा बनेगा, बिजली बिजली का बिल आएगा तो दूसरा महीना आएगा 5,000 रुपए का बिल, सच चाहिए आज 5,000 तो अगला महीना 5,000। ये बिजली का मुद्दा तो अलग रखिए, ये ओवर ब्रिज बन के एक साल हो गया, इसके ऊपर लाइट नहीं लगा आज तक, बिल्कुल इसके ऊपर पैदल चलने वाला पुल नहीं है जिसके चलते अंडरग्राउंड बनाने का विचार किया गया है, लेकिन अब भी उसमें नेता लोग का ताना खींची के चलते आज तक वो चालू नहीं हुआ है जो अंडरग्राउंड ब्रिज बनना है। नरपुर में खड़ा हूँ, उससे ठीक बगल में एक ब्रिज है लेकिन उस पर भी लाइट संभवता नहीं है, लेकिन पूरा का पूरा इलाका आप देखेंगे, मैं कैमरे से दिखाने की कोशिश करता हूं कि एक ब्रिज चक्रधरपुर से आगे के इलाके को जोड़ती है, लेकिन ब्रिज बना जरूर है लेकिन रात 8 बजे के बाद पूरी तरह से घुप अंधेरे में ये पसर जाता है, कहीं से कोई जिसको देखने वाला नहीं है। तो तमाम चीजें मुद्दा बनेगा, मुद्दा बनेगा, क्या क्या मुद्दा होगा? एक बिजली का, एक बिजली, एक पुल पर लाइट, और दूसरा बेरोजगारी, बेरोजगारी, और तीसरा पैदल चलने वाला पुल नहीं है इस ब्रिज के ऊपर, नहीं है, बिल्कुल एक्सीडेंट हो गया इस साल में अंडरग्राउंड बनाने का। ये चक्रधरपुर की जनता, चक्रधरपुर के वोटर आगामी 7 दिसंबर को यहाँ के तमाम प्रत्याशियों के किस्मत का फैसला करेंगे, यही वो जनता है जहाँ के प्रतिनिधि को जिताकर रांची के विधानसभा में भेजेंगे और यहाँ के नुमाइंदे करेंगे। यहाँ की जनता के पास कहने के लिए बहुत कुछ है लेकिन वक्त की कमी है, फिलहाल कौन बनेगा विधायक में इतना ही, अगली बार किसी और विधानसभा क्षेत्र से हम बात करेंगे लोगों से। तो न्यूज 11 की तरफ से पूरी जो जनता है उसको धन्यवाद के साथ मैं अपने कार्यक्रम का सम्मान करता हूँ। तो कौन विधायक बनेगा विधायक में, इतना ही, नमस्कार।